जिन रिश्तों पर सबसे ज्यादा विश्वास हो और वही कातिल बन जाए, तो समाज की यह भयानक तस्वीर आखिर किस तरफ इशारा करेगी? विश्व के सबसे बड़े दानवीर महर्षि दधीचि की धरती यानी कि यूपी के सीतापुर में ऐसे ही एक वारदात सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया और फरार हो गया। दिल को झकझोर देने वाला ये मामला सीतापुर के थाना कोतवाली ताल गांव का है, जहां दिनेश नाम के शख्स ने शनिवार को अपनी मां कमला देवी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो अपनी मां के नाम दर्ज जमीन का हिस्सा अपने नाम करवाना चाहता था। बताया जा रहा है कि महिला के पति का कुछ साल पहले निधन हो गया था, जिसके बाद जमीन का कुछ हिस्सा दिनेश के नाम और करीब 6 बीघा जमीन कमला देवी के नाम था। इसी 6 बीघा जमीन को लेकर दिनेश ने अपनी मां का झगड़ा में कत्ल कर दिया। आरोपी उस वक्त शराब की नशे में था। जमीन का तेरा हम का 2 बीघा कराए खा के दे दो, फिर हम तुमका दे दी 6 बीघा इन के नाम मेरा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि आरोपी मां का सिर लेकर खेत में बैठा है, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना तालगांव के अंतर्गत ग्राम मेजापुर से आज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश पासी है, इसके द्वारा अपनी मां कमला देवी जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, इनकी गड़ासे से सिर काट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर पहुँच कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आखिर कब तक ऐसे कलयुगी बेटों से समाज को शर्मसार होना पड़ेगा? ऐसी घटनाएं हमारे समाज के साथ साथ देश की कानून व्यवस्था पर एक काला धब्बा है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।